आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज का जो विषय है वो बड़ा संवेदनशील विषय है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस सारे विषय को अति बुद्धि बाध्यता से, अपने ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म से इसके साथ कहीं हिंसा न कर दें, इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जिस तरह के युग में और जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोग रह रहे हैं और जिस तरह से हमारे एक्सपोजर हैं ज्ञान को लेकर के, उससे साक्षात्कार है, उसमें इस तरह के शब्दों को, अध्यात्म जैसे शब्दों को, स्पिरिचुअलिटी जैसे शब्दों को हम बहुत जल्द अस्वीकृत और तिरस्कृत कर देते हैं। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि हम अपने अति बुद्धि बाध्यता से, ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म है, उसको हम थोड़ा सा संभाल के रखें। इंटेलेक्चुअल अप्रोच चाहिए लेकिन ओवर इंटेलेक्चुअल अप्रोच ना हो। अब इसमें यहाँ पे आप शुरू में ही देख रहे हैं, सीधा विषय की ओर अग्रसर होते हैं, और जो ये विषय आप देख रहे हैं शीर्षक, यहाँ पर मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो अध्यात्म शिक्षा विद्या और स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर मैंने ये क्रॉस लगाया। स्पिरिचुअल एजुकेशन जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसके कई बार ऐसा लगता है संदर्भ थोड़े से अलग हो जाते हैं जिस तरह से हम अध्यात्म शब्द को प्रयोग करते हैं, और वो क्यों अलग हो जाते हैं उसका मैं चर्चा आगे चल के करूंगा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन किस अर्थ में जो है वो अध्यात्म शिक्षा से थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। और यहाँ पर ये भी थोड़ा सा मेरे लिए विचारणीय था, जिसको डॉक्टर साहब जो है वो जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, कि अध्यात्म की शिक्षा या अध्यात्म विद्या की शिक्षा कौन सा प्रयोग हमारे लिए सही होगा। कि शिक्षा देने का तरीका अलग होता है, और कई बार ऐसे लगता है कि जो विद्या है वो एक जानने के ऊपर उसका अधिक बल है, शिक्षा का प्रशिक्षण के ऊपर अधिक बल होता है। आप बच्चे को शिक्षित करते हैं, विद्या के क्षेत्र में उसको शिक्षित करते हैं, लेकिन विद्या जो है वो थोड़ा अलग अर्थ में अलग बोध देती है। अर्थ तो नहीं कहूंगा लेकिन वो अलग बोध देती है, और सामान्य रूप से हमारी सारी परंपरा में अध्यात्म विद्या शब्द ही प्रयोग होता है। तो ये कुछ एक विषय को लेकर के थी, लेकिन डॉक्टर साहब इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगले 5-7 मिनट में मैं आप लोगों के साथ कुछ पृष्ठभूमि के रूप में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ, और फिर हम डॉक्टर चांद कंवर भारद्वाज जी को हम सादर आमंत्रित करेंगे और उनसे मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले एक जो मेरे सामने जो विषय आया बड़ा सीधा और स्पष्ट, वो था कि हर व्यक्ति जिनको भी हम पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, लिटरेट करना चाहते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन की फील्ड में, उसके तीन पक्ष होते हैं, 3-डायमेंशनल है। एक एज ए डूअर, हाउ ही लुक्स एट द थिंग्स, एंड एन एंजॉयर, हाउ ही अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और एज ए नोअर, हाउ ही नोज अबाउट द होल स्पिरिचुअल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो ये जो 3-डायमेंशनल, हर आदमी 3-डायमेंशनल होता है, कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में और ज्ञाता के रूप में, इस बात को हम ध्यान में रखें। और क्या तीनों के लिए एक ही स्पिरिचुअल एजुकेशन को हम फॉर्मेट उसके लिए बनाना चाहते हैं, या उसके लिए अलग अलग प्रकार के हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं, ये एक मुख्य बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आप जरा नीचे की ओर आ जाइए तो ये आप दो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर बिल्कुल एक अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग धाराएं हैं। अब यहाँ पर शिक्षा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये सारे के सारे शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन विद्या किसे आप यहाँ पे कहेंगे और उस विद्या की संस्कृति कैसे विकसित होगी ये हमें देखना होगा, क्योंकि ये डिजिटल एरा है, यहाँ पे विद्या नहीं शिक्षा है, ट्रेनिंग है, आपको एक तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे विद्या और शिक्षा का आपस में मिला जुला रूप आप देखते हैं, आप प्रश्न भी करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, अलग ही संदर्भ है। अब इसमें एक और नीचे प्रश्न आप देखिए कि अध्यात्म विद्या की शिक्षा जो है वो इस डिजिटल एरा में आप देंगे कैसे, जो बच्चे टेक्नोलॉजी में उलझे हुए हैं, गूगल पे हर चीज पे चले जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके प्रति सेंसिटाइज कैसे कर पाएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि उनके सामने अपनी तरह का लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है
कि उन्होंने जीवन में करना क्या है और क्या कमाना है, और अपनी आजीविका, अपने सेल्फ एस्टीम और इस तरह की जो शब्दावली हम देते हैं। अब इसके साथ आप इधर बिल्कुल बाएं हाथ की ओर देखें, मेरे बाएं हाथ की ओर, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो शब्द देखेंगे, एक है अध्ययन और एक है स्वाध्याय। अब जो ये जो आप देख रहे हैं डिजिटल एरा के लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अध्ययन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारी परंपरा में क्या है, स्वाध्याय शब्द ज्यादा प्रचलित है। अध्ययन भी है, स्वाध्याय ज्यादा प्रचलित है। इनके इनकी परिभाषाओं में मैं नहीं जाता, लेकिन आप इसको इस तरह से समझें कि अध्ययन आप कैसे करते हैं, जैसे कि टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, कि आपने कोई चीज बनानी है, उस चीज को बनाया, रचा, और फिर उसके बाद उसका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। तो सारी की सारी एजुकेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है, बनाती है और फिर आगे चलती है। आपने एक डिग्री ले ली, फिर उसके बाद दूसरी डिग्री ले ली, आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वहां पर अध्ययन आवश्यक है, तो स्टडीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप स्वाध्याय की बात करते हैं तो आप उपनिषद जैसे ग्रंथों का या किसी और धार्मिक ग्रंथ का आप अध्ययन नहीं, आप उसका स्वाध्याय करते हैं। अध्ययन करेंगे तो आप इंटेलेक्चुअल नोट उसके ऊपर लिख देंगे, लेकिन ये क्या है, जीवन भर चलने वाले स्वाध्याय की तरह है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट करने वाली बात है, ये तो है बिल्डिंग बनाने की तरह, कि एक बनाइए और फिर उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट की ओर चले गए। लेकिन स्वाध्याय टू प्लांट ए ट्री की तरह है, आप प्लांट करते हैं और फिर उसके साथ सारा जीवन आप उसके साथ बिता देते हैं। तो ये एक सांस्कृतिक अंतर है, इसको हम ध्यान में रखें। एक वृक्ष अगर आपने लगा दिया तो आप जीवन भर उसके साथ निकाल सकते हैं। अब इस दृष्टि से अगर आप देखें तो भारतीय संस्कृति में दो मुख्य प्रश्न हैं, जिसको बहुत सुंदरता से एक सोफीज वर्ल्ड नाम का नॉवल आया था, ऑथर तो मुझे ध्यान नहीं है इस वक्त, लेकिन उसमें उस बच्चे को वो इंट्रोड्यूस करता है दो सवालों से उस, और ये मुझे लगता है कि हमारे स्पिरिचुअलिटी का आधार होने चाहिए, हालांकि इसको वो फिलोसफिकली आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल बेसिस मुझे लगते हैं कि इस प्रश्न के हैं। एक है हु आर यू, ये एक बड़ा फंडामेंटल सवाल है, उस नॉवल में फर्स्ट पेज के ऊपर ही ये सवाल जो है, वो सोफी जो है स्कूल से आती है और उसको दो लेटर्स मिलते हैं और उसमें से एक एक स्लिप निकलती है और उसमें ये प्रश्न है हु आर यू, और यही हमारा मूलभूत प्रश्न है को हम। और दूसरा मूलभूत प्रश्न है कि वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम, कि ये सारे संसार और सृष्टि आती कहाँ से है। अब इसके साथ जब इस तरह के दो प्रश्नों को आप ले लेते हैं तो आपके सामने जो स्पिरिचुअल पाथ है जो आपको अपनी परंपरा में मिलता है वो पांच प्रकार उसके मिलता है, वो है अर्थ बेस्ड, पृथ्वी के आधारित, जहां पर आप भौतिक तत्वों से जो है वो डिवाइन की ओर, आत्म की ओर चलना चाहते हैं। फिर मेटाफिजिकल है, पढ़ते जाइए साथ में, मैं क्योंकि थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहता हूं, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। मेटाफिजिकल है जहां पे नॉन मटेरियल रेल्म्स जो है उसको आप डिवाइन के साथ, वहां से आप डिवाइन की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, आत्म की ओर। फिर आप बॉडी बेस्ड का मतलब है कि शरीर से आप जो है आत्म तत्व की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। फिर हार्ट बेस्ड का मतलब है कि आप हृदय से जो है वो सीधा आत्म तत्व से जुड़ना चाहते हैं। और पांचवा जो है वो है आप अपने मन से, आपका जो अंतःकरण है उससे सीधा आत्म तत्व की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। और इस सारे संदर्भ में मैंने आपको एक पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दी थी जो कि इन्विटेशन लेटर में थे, और उसमें आप सबने वो पढ़ के ही आए होंगे, तो इसलिए मुझे उसमें ज्यादा नहीं जाना है। लेकिन फिर भी हम इस बात को ध्यान रखें कि इस सारी अध्यात्म विद्या के, स्पिरिचुअल एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनली और ट्रेड और कॉरपोरेट सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कहाँ स्थापित कर पाएंगे और इसके स्कोप क्या बनेंगे। इस सारे विषय पे चर्चा करने के लिए हमने आज जिस विद्वान वक्ता को, मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित किया है और उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है, वो है डॉक्टर चंद्र कंवर भारद्वाज जी, PhD ICO यूनिवर्सिटी ओपिंडे नीदरलैंड से हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ए यूनिट ऑफ स्वान आध्यात्मिक सत्संग सोसाइटी दिल्ली, और फाउंडर हैं ज्ञान सुविज्ञानम संस्था जो कि उसी का एक यूनिट है। अब ये देखने वाली बात है, जिस वजह से मैं आपको ये दो तीन मिनट में चाहता हूं कि उनके इस बायोडाटा को आप थोड़ा सा देखें, बिजनेस मैनेजमेंट की
के पृष्ठभूमि से वो आ रहे हैं और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। उसके बाद उनका बिजनेस एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो बिल्कुल एक नितांत टेक्निकल किस्म का है। स्वयं फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहे हैं मेटलर्जी में, और सेटअप उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। और लेकिन उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप देखेंगे साइंस रिलीजन और इंटरफेथ हार्मनी, और इसलिए वो प्रेजेंटली जो काम कर रहे हैं वो डिफाइनिंग स्पिरिचुअलिटी विद लॉजिक एंड साइंस फॉर यूएन, यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए काम कर रहे हैं। ये मैंने सब लिख रखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन वस्तुतः आप देखें, मैं केवल यही दिखाना चाहता हूं कि वो कितने व्यापक स्तर पर और कितने हायर लेवल पे जा करके वो ये सारे कामों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कंक्रीटाइज करके अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव जिनेवा, वहां पर भी उस संस्था के साथ जुड़ करके उसको उसका प्रचार प्रसार करने का वो उद्यम उन्होंने किया है। उसके अतिरिक्त वैदिक नॉलेज फॉर सिविलाइजेशनल हार्मनी जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में है, वहां पर उसको उसके साथ भी वो जुड़े हुए हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये इनकी पृष्ठभूमि है, और इस पृष्ठभूमि में जो मैंने उनका एक पूरा बायोडाटा देखा और उनके जो नोट्स मैंने देखे, लेक्चर्स देखे नेट के ऊपर, तो उसमें एक दो बातें आप देखिए और जिनको लेकर के मैं आगे 2-3 मिनट आपसे और लूंगा। उनके शब्दों में स्पिरिचुअलिटी को जब वो डिफाइन करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी इज द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स, इट इज नॉट अ रिलीजन इन इटसेल्फ, इट इज अ यूनिफाइंग फैक्टर फॉर मैनकाइंड एंड इट्स सेकुलर। और फिर इसके लिए जो गुरु संगमम, ए कॉमन नॉन रिलीजियस रेजोल्यूशन बाय गुरु संगमम, ये वहां पर जो मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स और जो इसके कंक्लूजन निकाले, इसको डिफाइन किया है, वो क्या है? टू क्रिएट ए कॉमन नॉन रिलीजियस नॉन पोलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्पिरिचुअल मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड विच आर फोकस्ड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लिबरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस कास्ट क्रीड बिलीफ एंड रिचुअल्स, टू नर्चर द फंडामेंटल लॉन्गिंग इन ह्यूमन बींग टू सीक ट्रूथ अबाउट द नेचर ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, टू एजुकेट द वर्ल्ड अबाउट द यूनिवर्सल नेचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, and to collectively work in a manner that is efficient, comprehensive, cohesive and relevant to the present times with logic and science. Okay? Aur objective uska kya hai? Seeking support from various organizations around the globe for this concept of spirituality. Ye unke nirantar chalne wale prayas hai. Lekin ab jo main bharti drishti se dekhna chahta hu, jo aur phir un वो इस सारे विषय पे अपनी टिप्पणी करेंगे और अपनी बात रखेंगे अगले 35-40 मिनट में। देखिए, आदमी को स्पिरिचुअलिटी का क्या फायदा हो सकता है या क्यों उसको करना चाहिए? एक तो उसका है अपना होना, यानी कि उसका बींग, जिसे आप अंग्रेजी में बींग कहते हैं और संस्कृत में इसके लिए शब्द है अस्ति। तो आपका होना ये केंद्र में है, और जो हम व्यक्ति को जानते और पहचानते हैं वो क्या है? उसकी उपलब्धियों से, कि उसने अचीव क्या किया है। जैसे मैं अभी डॉक्टर साहब का बायोडाटा आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो वो मैं उनकी उपलब्धियों को गिना रहा था। तो मेरे होने में और मेरी उपलब्धियों के बीच में, इन दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अध्यात्म विद्या की आवश्यकता होती है, नहीं तो विकृति आ जाएगी, या तो बुद्धि विकृत हो जाएगी, अहंकार में चले जाएंगे, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोनों में तालमेल बिठाए रखने के लिए, कि मेरे बीइंग और मेरे बिकमिंग होने में जो एक सिंथेसिस है, वो इस स्पिरिचुअल एजुकेशन से होता है, कम से कम भारतीय दृष्टिकोण ये है। और उसके साथ जो है कि आप किस तरह की वृत्ति आपकी बनेगी और किन बातों में आपको रुचि लेनी चाहिए और किन से आपकी निवृत्ति होनी चाहिए, वो भी आप सीखेंगे। और आप में जो दोषों का निकलना है, स्पिरिचुअल एजुकेशन वो आप में से उनको निकालेगी, और जो आपके क्वालिटीज होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, वो इसमें आएंगे। और ये बाकी चीजों को अभी मैं नहीं छेड़ रहा, ये फिर मैं बाद में लूंगा आपके साथ चर्चा में। लेकिन अब जो एक फंडामेंटल सवाल है, जो हमारी जो परिस्थिति है, जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं वर्तमान काले, वहां की जो भूमि है, जो पृष्ठभूमि है शिक्षा की, क्या वो इतनी उर्वरक है कि वो स्पिरिचुअल एजुकेशन को स्वीकार कर सके?
हमारी पॉलिटिकल पृष्ठभूमि, हमारा सेकुलरिज्म, हमारी बाकी सब बातें, क्या वो हमें मौका देंगी कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी बन पाए कि वहां पर हम स्पिरिचुअलिटी का पौधा लगा सकें। जैसे कि अगर आप आज की शिक्षा पद्धति को लेकर के कुछ प्रश्न करें अपनी भारतीय परंपरा से कि शिक्षा का आधार परस्पर मैत्री है, क्या शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र और समाज का मंगल है, क्या शिक्षा हमें तेजस्वी बनाती है, क्या शिक्षा आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली है, कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं, और ये भारतीय परंपरा के मूलभूत प्रश्न हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम स्पिरिचुअल एजुकेशन को हम स्थापित कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति ने हमारे मनों को इतना तैयार कर दिया कि नहीं कर दिया। और एक अंतिम बात कहकर के मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ज्यूज को देख रहे हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन में का कैसे हम संबंध बिठाएंगे इन ज्यूज के साथ जो इस तरह से दीवार के साथ लग करके अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं, और आप सब जानते हैं कि किस तरह से उनकी व्यवस्था है, और वो उसको पक्का मतलब उसके प्रति उनका गहन आस्था है। इसी तरह आप इस्लामिक वहां पे देखेंगे, इस्लामिक पद्धति जो है पढ़ने पढ़ाने की, वहां पर स्पिरिचुअलिटी को आप कहाँ लेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर आप एक पुस्तक में, एक पैगंबर में और एक अल्लाह में विश्वास करते हैं, तो उसके अतिरिक्त और स्पिरिचुअलिटी कहाँ आएगी, ये थोड़ा सा देखना होगा। इसी तरह क्रिश्चियनिटी को अगर आप देखें, वहां पर भी ऐसी स्थिति है। बुद्धिज्म में भी कुछ संभावना दिखाई देती है, लेकिन बुद्धिज्म की एक फिलोसफिकल दिक्कत मुझे डॉक्टर साहब जो लगती है, और मैं चाहूंगा कि उस पर आप जरूर प्रश्न उत्तर दें या बात करें, वो ये है कि बुद्धिज्म सारा का सारा शून्यवाद पे खड़ा है, तो शून्यवाद के आधार पर आप अध्यात्मवाद या स्पिरिचुअलिटी को कैसे खड़ा करेंगे, ये एक थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा लीक से हट करके है, लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन एक रुचिकर प्रश्न है, चुनौती वाला तो है ही है। इसी तरह जैनिज्म में है, वहां पर भी विश्वास पर आधारित बातें हैं, लेकिन फिर भी संभावना उसमें शेष है, क्योंकि वो प्रश्न पर आधारित धर्म है। इसी तरह सिखिज्म को अगर आप देखते हैं तो नितांत एक विश्वास पर आधारित उनका व्यवहार है, और ये जो आप हम जिसको स्वीकार करते हैं यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ उस तरह से ग्रंथों का उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन श्रुति परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जब इतना सारा का सारा विश्व इस तरह के विश्वासों से भरा हुआ है, तो वेयर इज द स्पेस फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड हाउ, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन विच आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू देम, आप कैसे उन लोगों को आप बताएंगे कि भाई आत्मा और आत्मज्ञान की बात करेंगे, और अगर आत्मा की बात करेंगे तो वो प्रेतात्मा और भूतात्मा ही चली जाएंगी, और उसके अलावा वो कोई और चर्चा मुझे लगता नहीं है। Why anyone will accept those spiritual education terms and concepts when everyone is conditioned with his religious terminologies? और आखिरी प्रश्न मेरा है, और इसके बाद मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप अपनी बात हमारे साथ साझी करें। How do you propose to introduce this to Abrahamic educational system world over? आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है बांग्लादेश में चल रहा है, यूके में भी चल रहा है, वहां पे भी दंगे फसाद हो रहे हैं, और उधर इसराइल के साथ जो कुछ चल रहा है, तो इन सब के बीच में हम स्पिरिचुअल एजुकेशन को कैसे लेंगे और कैसे इंट्रोड्यूस करने का? बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपका ये बहुत बड़ा साहस है कि आपने इस तरह की बात सोची, और लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप इस सारी बात को स्पष्ट करें और हमारा ज्ञानवर्धन हो, हमें दिशा मिले, पता लगे कि हमें इस सारे विषय को कैसे देखना चाहिए, और जो हम समझ रहे हैं उसका विस्तार। तो आपको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ चर्चा आरंभ करें, लगभग आगे 35-40 मिनट हमारे साथ चर्चा करेंगे, और उसके बाद प्रश्नोत्तर हम लोग लेंगे। जी डॉक्टर, आपने इतनी सुंदर भूमिका आशुतोष जी बना दी है, और इसमें इतने प्रश्न इकट्ठे किए हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी के जवाब बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अभी मैंने इस बात को बयान करना है कि हम लोग जो अपने आप को माइंड, बॉडी एंड सोल कह के बयान करते हैं, तो इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी दुनिया को किस प्रकार जाना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपने कहा कि भाई इस्लामिक वर्ल्ड में हम इस पर्टिकुलर विषय को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे,
तो इस विषय को, क्योंकि सबने अपने अपने बिलीव्स बनाए हैं जैसे आपने कहा, तो उन बिलीव्स को कैसे हमको प्रैग्मेटिक अप्रोच से, कैसे रीजनिंग से उसको बताना है, जैसे आप लोग लिखते हैं वेयर व्हाट व्हाई एंड हाउ, इन सभी विषयों को देखते हुए हमें सभी दुनिया में इस विषय को बताने के लिए चर्चा करनी है। तो लेट मी कम टू माय पॉइंट नाउ कि सबसे पहले अगर आत्मज्ञान हो जाए कि हम क्या हैं, अगर ये बात पता लग जाए तो हमें पता लगेगा कि हम क्या हैं। तो हम माइंड बॉडी एंड सोल हैं, अब इसके उद्गम क्या हैं, अगर हम इनके उद्गमों को जान लेंगे और सभी रिलीजन्स को जान लेंगे। ऐसा है कि ईच रिलीजन इज अ फिलोसफी एंड दैट फिलोसफी की वजह से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है और उस साइकोलॉजी के आधार पर आपका बिहेवियर डेवलप होता है। अगर इस पर्टिकुलर विषय को हम समझ लेंगे तो सब लोग अपनी अपनी फिलोसफीज को एनालाइज करेंगे, क्योंकि सब रिलीजन्स तो बने थे अच्छा आदमी बनाने के लिए और वो अच्छा आदमी नहीं बना सके, तो किस प्रकार, कहाँ, किसमें त्रुटियां हैं, उस पर्टिकुलर विषय को देखना है। और मुझे लगता है कि ये जो नया विषय हम लोग सामने रखेंगे, विज्ञान और अध्यात्म का जो समन्वय है, जो लॉजिकली हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, यह विषय बहुत ही अच्छे से सामने आएगा और जो कि सारी दुनिया की आंखें खोलेगा। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि मेरे पीछे में एक स्क्रीन लगा है, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, तो मैं जो मेरे पीछे स्क्रीन लगा है मैं इसको ऑन किया है। तो ये प्लैंक सैटेलाइट कैमरा है जो सारे ब्रह्मांड का घूम घूम के उसने एक पिक्चर बनाया, तो इसको मैं बोलता हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण अंते, क्योंकि जो विजिबल यूनिवर्स है उसको देखना है। पहले हमें ये धरती नजर आती है, नीली छतरी नजर आती है आसमान की तरह से, अब इस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप में जो कि हार्डली एक मिनट का है रह गया है, तो ये सारे आसमान को स्कैनिंग करके उसने एक बहुत सुंदर पिक्चर निकाला सारे ब्रह्मांड का, जो एक ही दफा में दिखाई देता है। तो इस कंप्लीट ब्रह्मांड को अगर देख के हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये एक्सपांडिंग यूनिवर्स है, जब से बना है और अभी आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसकी ये जो खूबसूरत फोटो निकल के आई है ब्रह्मांड की, इस फोटो को देखने का विषय है कि अब ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में तीन चीजें नजर आती हैं। एक तो फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज हैं जो कि 100 and odd एलिमेंट से बनी है, शास्त्र में हम उसको 5 तत्व बोल देते हैं, और एक गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से सारे ब्रह्मांड का संचालन जो पहले से सुनिश्चित है कि इतने समय बना और महाप्रलय में ऐसे खत्म हो जाएगा हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो वो जो ताकत है जो इसको ऑपरेट कर रही है वो गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको कि हम कहेंगे कि यह जो है ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसमें उसको हमने ब्रह्मंडी मन कह के बयान किया, यूनिवर्सल माइंड। और इस यूनिवर्सल माइंड में बहुत बड़ा विषय आया है सामने कि इसमें एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्बेडेड है, 2G 3G 6G इंटरनेट सब उसी से चलता है, और उसके अलावा उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब विद्यमान है। अगर एप्पल गिरता है तो साइंटिस्ट कैलकुलेट्स द लॉज ऑफ नेचर, तो उसमें कुदरत के कानून भी है, जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत है, तो उसको यूनिवर्सल माइंड कह के बयान किया। और एक ताकत ऐसी है जो उसको एनर्जाइज कर रही है, जिसको हमने पार्टिकल और वेव थ्योरी के अनुसार एक्सप्लेन किया कि क्योंकि पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, इट इज एन इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो वो जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है, हम ये कह रहे हैं कि क्रिएशन इज एन इंटेलिजेंट डिजाइन, इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास इज इंटेलिजेंटली डिजाइन। तो ये इंटेलिजेंट बीइंग को रिकग्नाइज करना है कैसे वो ऑपरेट कर रहा है और हमारा उसका अंतर संबंध क्या है। हमने एक और फिलोसफी डेवलप करने की कोशिश है जिसको हम बोल रहे हैं को एम थियरी एंड प्रैक्टिस, जिसका मतलब है कि को रिलेशन ऑफ योर अटेंशन विद इंफॉर्मेशन एंड मटीरियल इज योर बॉडी और इंफॉर्मेशन इज योर माइंड एंड अटेंशन इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस विच वी मे कॉल इट एज सोल which remains connected to its source in real time 24/7.
तो आपका संबंध नाद से, शब्द से, अनद शब्द से, उस ताकत से जुड़ा है जो सारे ब्रह्मांड को 24/7 एनर्जाइज कर रहा है, और आपके मन को भी एनर्जाइज वही कर रहा है, और आपके शरीर को भी वही एनर्जाइज कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर विषय को समझना और समझ के इस बात को जान लेना कि ब्रह्मांड में तीन बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज, द यूनिवर्सल माइंड एंड द एब्सोल्यूट। तो हमारे यहाँ कहा कि एकम बहुशा, वो एक था, अकेला था और परम आनंद की स्थिति में था, वह शक्ति एक से अनेक हुई, इस प्रकार हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है और साइंस भी उसी को कह रही है। There was light in the beginning and light fragmented from one to many। तो इस प्रकार जो परमात्मा है, जिसको हम परमात्मा कहेंगे, हम उसको बोल रहे हैं कि absolute intelligence and a capable force। और in its radiant form, वो प्रकाशवान रूप में विद्यमान है, उस ताकत, वह ताकत एक से अनेक हो गया। अब वह ताकत जब एक से अनेक हो जाती है तो वह कार्य करती है। तो उस पर्टिकुलर विषय को हम समझ लें। अभी जैसे आपने डिफरेंट रिलीजन्स की बात की, बहुत अहम मुद्दा है कि किस प्रकार ये सभी को जाएगा। यू नो, हम लोग वी आर अबाउट 8 billion पीपल ऑन दिस अर्थ, और 16 मेजर रिलीजन्स हैं, 4000 उसके डिफरेंट सेक्ट्स हैं। तो हर रिलीजन इज ए फिलोसफी। तो हर व्यक्ति अपने घर में, अपने स्कूल में, सोसाइटी में कुछ सीखता है और अपनी नई फिलॉसफी बना लेता है, वो अपना ओन रिलीजन बना लेता है और उसके अनुसार वो जीता है। तो इस प्रकार इस विषय को अगर हम समझ लेंगे तो एक फिलॉसफी हम कैसे ला सकेंगे सारी दुनिया में, ताकि वो कॉमन एस्पेक्ट्स पर आधारित होगी। जैसे बाइबल में कहा, गॉड इज लाइट एंड द वर्ड वॉज मेड फ्लैश, शब्द के द्वारा शरीर बना। कुरान में कहा कि गॉड इज नूर, और उसका कनेक्शन कलमा से है, साउथ वर्ड यूज हुआ, बांगे आसमानी यूज हुआ, तो इस प्रकार कुछ शब्द यूज हुए। इसी प्रकार हमारे यहाँ उसको ज्योति और श्रुति कहा कि देर वॉज लाइट इन द बिगिनिंग एंड दैट फ्रेगमेंटेड फ्रॉम वन टू मैनी, और साइंस में भी वही हो गया, उसको कहा पार्टिकल एंड वेव थियरी, पार्टिकल ऑफ लाइट एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू द वेव विच इज साउंड। सो वंस ही बिकेम फ्रॉम वन टू मैनी, हम लोग सब उससे जुड़े हैं अपने उद्गम से, और मेरी आत्मा उसका पार्ट है, परमात्मा का। सो हमने आत्मा को क्रिएटिव इंटेलिजेंस कह के बयान किया, जो कि स्कूलों में बड़ी आसानी से पढ़ाई जा सकती है, और उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस ने यूनिवर्सल माइंड से, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम और लॉज ऑफ नेचर एम्बेडेड है, उससे मन को एक्वायर किया। वी कॉल इट एज वी एक्वायर्ड द माइंड फ्रॉम द यूनिवर्सल माइंड, नोन एज काउजल माइंड, और काउजल बॉडी बना डाला। वी क्रिएटेड ए स्केच ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, अर्ध नारेश्वर, जिसमें आधा वुमन एंड आधा मैन, ताकि हम लोग उसका अनुभव कर सकें इस दुनिया का, और फिर उसको रिफाइन करके सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर, जिसमें सिंगल सेल से ह्यूमन बॉडी तक की जर्नी इन्वॉल्व है, कि किस प्रकार आपने पहला सिंगल सेल बनाया। तो फिजिकली साइंस टेल्स अस के इफ लाइट एंड साउंड स्ट्राइक्स ऑन प्योर एलिमेंट्स, कन्वर्ट्स देम इनटू अमीनो एसिड्स, एंड अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज द प्रोटीन्स अवेलेबल इन द वॉटर। तो ये वॉटर के 100 and odd एलिमेंट्स कैसे बने, इसका भी हमने जिक्र किया है अपने कॉन्सेप्ट में, कि हाउ नॉन मटेरियल क्रिएटेड द मटेरियल। क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है, आधे घंटे में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा मेरा ये एक्सप्लेनेशन, बट देन आई विल गिव यू दोस बुलेट पॉइंट्स, यू नो, उस पर हम कभी भी और चर्चाएं कर सकते हैं आप लोगों के रिएक्शंस में, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो नॉन मटेरियल ने मटेरियल कैसे बनाया, कि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन के लिए हमने हिग्स बोसोन को इन्वॉल्व किया, जिसमें क्षमता है अट्रैक्शन की, दैट इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट, तो इट अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड क्रिएटेड द फर्स्ट एटम एज हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज किया तो हीलियम बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम को फ्यूज किया तो सूर्य बनते हैं। तो हमारे शास्त्र में लिखा कि पहला ज्ञान सूर्य को दिया।
तो किस प्रकार दो दो सूर्यों ने मिलकर बाकी के 100 एलिमेंट्स बनाए उसकी वीडियोज है मेरे पास, और बहुत अच्छे से हमने पिछले 30 साल से इस विषय को डेवलप किया है और ये बहुत आसान हो गया बच्चों को समझाने के लिए। इसके लिए आप लोगों का सानिध्य चाहिए होगा कि किस प्रकार हम इस पर्टिकुलर ज्ञान को बयान करेंगे फर्दर। अब मैं छोटे छोटे बाइट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी आत्मा का बाहरी स्वरूप आपका ध्यान है, और वह ध्यान इज लाइक एन ओमनी स्कैनर, इट्स ए कैपेबल फोर्स, इट इज पार्ट ऑफ ऑल नोइंग ऑल प्रिवेंडिंग। इसी को स्पिरिचुअलिटी हम कह रहे हैं कि वो द स्पिरिट ऑफ द होल कॉस्मोस इज दैट। अब उसको जैसे आशुतोष जी ने वो अलग अलग शब्दों में बयान करने की कोशिश की कि भाई स्पिरिट को क्या कहेंगे, कोई होली स्पिरिट, कोई होली घोस्ट कह रहा है, क्या कुछ कह रहा है। सो इसको वी हैव टू इनको शब्दों में बांध के किस प्रकार सभी विद्यार्थियों को परोसना है, इस पर हम लोग चर्चाएं कर सकते हैं और इसकी त्रुटियां निकाल सकते हैं कि किस प्रकार इसको बयान किया जाएगा। कि आपने खुद मन एक्वायर किया और शरीर बनाया सिंगल सेल से, और मनुष्य शरीर तक की जर्नी पूरी की, तो इस प्रकार ये कैसे बना सारा विषय, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इस पर चर्चाएं की हैं, बहुत सारा विषय भी लिखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉडी माइंड एंड सोल, इन तीनों का जो उद्गम है वो टोटल ब्रह्मांड है, जो विजिबल यूनिवर्स है। क्योंकि मैंने मन ब्रह्मंडी मन से एक्वायर किया और मटेरियल इस्तेमाल करके प्रोटीन्स का सिंथेसाइज करके पहला सिंगल सेल बनाया, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ, क्रिएटिव इंटेलिजेंस हूँ, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस लाइट एंड साउंड के रूप में मेरे अंदर में विद्यमान है। तो इफ लाइट एंड साउंड स्ट्राइक्स ऑन प्योर एलिमेंट्स कन्वर्ट्स देम इनटू अमीनो एसिड्स, जिसने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया और सिंगल सेल बना, अब वह सिंगल सेल जब मर जाता है तो उसका शरीर यहाँ रह जाता है, उसका मन एनरिच्ड इंफॉर्मेशन ले लेता है, और वह इंफॉर्मेशन के साथ उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस गोज बैक टू द एस्ट्रल रीजन, वहां से फिर वो दोबारा डबल सेल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए बाहर आता है, और फिर से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए आता है। तो इस प्रकार 84 लाख जोनियों से होते हुए मेरी आत्मा ने मनुष्य शरीर बनाया, विच इज द लास्ट स्टेप। अब इसमें आपने मोक्ष का भी वर्णन किया है कि भाई इस मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपने ध्यान को मन और शरीर से अलग कर लेंगे। फिर ये भी पता लगा कि भाई सारा ब्रह्मांड तो मिथ्या है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो किस प्रकार अभी 3 नोबेल लॉरियट्स को प्राइज मिला कि भाई द क्रिएशन इज नॉट रियल, इन सभी बातों को हमने बहुत अच्छे ढंग से बांध के रखा है, लेकिन इसका जो विस्तार वाला रूप है उसको कैसे बच्चों को बताना है, अब मैं उस पर आता हूं। सबसे पहले मुझे आपकी अटेंशन का, आपकी आत्मा का जो गुण है उसको एक्सप्लेन करना है कि वो तो क्रिएटिविटी है, वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स से जुड़ा है, जो क्रिएटर है। उसके गुण है प्रेम, दया, क्षमा, विवेक, धैर्य, शील, नम्रता, निर्भीकता, स्टेट ऑफ आर्ट प्लानिंग एबिलिटी और उसकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी, लेट अस फेस एज इट कम्स, जस्टिस और एप्रिसिएशन एटसेट्रा, आत्मा के गुण है। तो उस आत्मा ने, वो जब एक से अनेक हुआ तो हम में से एक ने, जिसको काल भगवान कहा हमारे शास्त्रों में, क्योंकि मैं विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम में से एक काल भगवान कहलाए। उन्होंने समय से बंधी हुई सृष्टि बना ली, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन बनाया, जिसको मैं हिग्स बोसोन करके बयान कर रहा था अभी कि कैसे ये सारा ब्रह्मांड बना, कैसे दो दो सूर्यों ने मिलके बाकी के 100 एलिमेंट्स बनाए। इन सभी विषयों को बहुत डिटेल्स में आपस में हम लोगों को समझने की जरूरत है, ये आधा घंटा उसके लिए काफी नहीं है। एक एक विषय को अलग अलग तरीके से अगर हम लेंगे तो इसका पूरा जो हम लोगों ने कोर्स बनाया बच्चों के लिए वो मैं आपके सामने में रख सकूंगा। अब पहला विषय जो नर्सरी क्लास से शुरू कर रहे हैं वो है कि भाई बच्चे को ये बताना है कि उसकी ध्यान की क्या क्या क्षमताएं हैं। एक बीज है, वो भी 3 है, उसमें एक शरीर है, एक उसका मन है, गेहूं का, चने का, आम का, और एक उसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, वो जिंदा है। तो किस प्रकार वह जो बीज है वो कार्य कर रहा है, उससे पहला कक्षा में हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी ध्यान की क्षमताओं को बताने का।
अगर आप उसको सूखी रेत में रख दें तो उगेगा नहीं, जैसे ही पानी आएगा उसमें जीवन ट्रिगर होगा। मल्टीटास्किंग, कितनी सारी जड़ें जमीन में जाएंगी, उसकी बड निकल के सूर्य को देखेगी और फोटोसिंथेसिस करेगी। उसको पहले से मालूम था कि सूर्य की ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है। हम तो सोलर पैनल अब बना रहे हैं, उसको पहले से मालूम है कि किस प्रकार उसको सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करना है। 4-5 इंच का हो गया, हमने डब्बे से ढक दिया टू ब्लॉक द सन, और नीचे सुराख किया जड़ के पास में। तो यह सूर्य यहां से रोज सुबह सूर्य की किरणें वहां जाती हैं, तो यह पौधा अपने आप ही मुड़ेगा और वापस आ जाएगा, उस सुराख में से बाहर निकल के सूर्य की ओर देखेगा। तो ये गुण जो है ये बताना कि भाई जहां ध्यान जाता है सभी शक्तियां वहां कार्यरत होती हैं, और मन खाली इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि उस पौधे में कितनी टहनियां लगेंगी, कितने उसमें पत्ते होंगे, कितने फूल लगेंगे, कितने फल लगेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन उसके मन में विद्यमान है। और एक उसका शरीर है मटेरियल का, तो उसमें मैंने सबसे पहले तो आत्मा की क्षमताएं बताई कि भाई जहां ध्यान जाता है सभी शक्तियां वहां कार्यरत होती हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे एक जिराफ है, उसकी गर्दन में 7 बोन्स हैं, इंसान में भी 7 है, कुत्ते में भी 7 है। उसका ध्यान गया कोमल पत्तियां खाने में, उसके ध्यान की वजह से उसकी गर्दन और टांगे लंबी हो गई। इसी प्रकार औरतें म्यांमार में अपने गले में रिंग डाल डाल के गर्दन 1-1 फुट लंबा कर लेती हैं, वो ध्यान की वजह से। बच्चे जब जाते हैं जिम में तो किस प्रकार वो अपनी सेहत बनाते हैं और कैसे वो अपने शरीर को सुगठित कर लेते हैं, ध्यान जाता है। ध्यान जाने से ही आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, नई नई ईजाद होती है, नए नए किस्म के कार्य करते हैं। और मन जो है वो खाली इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कि आपने वो मन जो एक्वायर किया उसमें खाली इंफॉर्मेशन रहती है और कुछ नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना 2G 3G 6G इंटरनेट सब उसी से ऑपरेट होता है, तो हमने मन ग्रहण किया जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमारी मेमोरीज हैं, और मेरा शरीर मटेरियल है तो चलाने वाली ताकत मेरी आत्मा है, और इस संसार में मैं एक सपने की भांति आया हूं, और जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत है। तो उस सपने में मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हूं कि मैं अभी जो आपने कहा कि भाई बुद्धिज्म से कैसे उन्होंने जो शून्यवाद की बात की, तो उसमें मैं क्षणिक यही बात कहना चाहूंगा कि वो आपको विड्रॉ करते हैं, बिकॉज यू नो मेडिटेशन इज विड्रॉवल ऑफ अटेंशन, इट इज नॉट फोकसिंग ऑफ अटेंशन। अगर आप फोकस करते हैं तो शरीर पर जाएगी, वो तो फिजिकल योगा। इफ यू put your attention onto your mind, then it is mental yoga, जिसमें आप मंत्र आदि पर कार्य करते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स करते हैं, तो वो it is focusing of attention, whereas it is withdrawal of attention within, उसकी location कहाँ है, मेरी 83% attention आँखों से बिखरती है, और दोनों आँखों के optical nerves जहाँ मिलते हैं center of the head में, वो है मेरी लोकेशन, मेरी आत्मा की, मेरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, जहां मेरे कान भी जुड़े हैं और पिक्चर बनती है पीछे एट द बैक ऑफ माय हेड। तो किस प्रकार इस बात को जाना कि 83% अटेंशन मेरी आंखों से बिखरती है, 13-14% मेरे कानों से बिखरती है, बाकी की इंद्रियों से बिखरती है। तो यह जो मेरी अटेंशन है वो मेरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का आउटर एक्सप्रेशन है, और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मुझे अपनी अटेंशन को माइंड और बॉडी से विड्रॉ करके उस लोकेशन पर लेके जाना है जो कि शून्यवाद से जुड़ती है। उस शून्य में आप जुड़ेंगे क्योंकि क्रिएशन इज अ ड्रीम, यू नो, तो सारा ब्रह्मांड जो है ये सब एक सपना है और इस सपने में हम इन्वॉल्व हैं। तो किस प्रकार हमने काल ने सपना देखा, फिर हमारी आत्मा ने उसके सपने को देखा, और फिर हमने सपना देखना शुरू किया। बहुत अच्छी पिक्चर है इंसेप्शन करके, जिसमें सपने में सपने में सपना, तो हम लोग ये सपनों में सपना देखते चले जा रहे हैं। बहुत गहन विषय है और इसको आधे घंटे में मुझे लगता है कि हम लोग इसका जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जितनी मैंने कोशिश की ये बयान करने की, तो आई हैव डन माई पार्ट ताकि ये बात कुछ एक्सप्लेन हो सके कि ये बॉडी माइंड एंड सोल, तीनों बॉडी माइंड एंड सोल ऑफ द होल कॉस्मस से जुड़े हैं, उसी के पार्ट हैं और हम उसी में रह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक समय अगर हम क्वेश्चन आंसर में देंगे आशुतोष जी, तो ज्यादा बेटर
हो सकेगा। यहाँ तक कि मुझे एक और बात में बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगा कि आपकी जो भाषा है उसका उद्गम कहाँ से है, वो परा से है। परा से भाषा उतरती है, वो आपकी आत्मा में आई, आपकी आत्मा ने उसके मन को हैंड ओवर किया, मन ने गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से जो ऑपरेट होता है उसने आपके शरीर में जो पानी है जो ब्लड की भांति उसको हाई टाइड लो टाइड में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स को ट्रिगर किया और उसकी वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष में डील करते हैं, वो ट्रिगर हो गए, आपके मूड स्विंग हो गए। तो इस प्रकार ये जो विषय है ये बहुत ही गहन है और इसका एक एक अंग बहुत विस्तार रूप से समझने का है कि किस प्रकार हम ये बच्चों को दे पाएंगे। कैसे हमने छोटी छोटी कहानियां बनाई बच्चों के लिए ताकि उनको ये पता लगे कि मन तो खाली इंफॉर्मेशन रखता है और शरीर उसका फर्दर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है उस इंफॉर्मेशन को। तो किस प्रकार मेरा शरीर और मन मिलके मेरी आत्मा को गधे की तरह से रात और दिन अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत बड़ा थीम है। और इस प्रकार हम लोग कैसे इन सभी विषयों को आपस में जोड़ के विषय को सामने रखेंगे ये मैं अभी इस क्षण में बयान नहीं कर पाऊंगा और मुझे लगता है कि इसके लिए आप लोगों के क्वेश्चंस चाहिए और किस प्रकार हम इस विषय को बताएंगे कि हमारी तीनों ये शरीर मन और आत्मा के उद्गम क्या हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। सो प्लीज जी, बात तो आपकी सही है और बिल्कुल तर्कसंगत है, लॉजिकल है और साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों को आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से दोनों का सिंथेसिस किया है। अब जो प्रश्न मैंने आपके सामने पहले रखे थे, दिक्कत वही आ रही है कि इस सारे को हम अगर हम इस सारे को एक मॉडल डिजाइन कर भी लेते हैं तो सबसे पहले तो हमें लोगों को ट्रेन कैसे करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की हेल्प के बिना, एनजीओस की हेल्प के बिना और एक जब तक हम लोगों को उनमें अवेयरनेस नहीं लाते, सेंसिटाइज नहीं करते तो इस सारे विषय को कैसे लेकर के जाएंगे। और आप जो यूएन के साथ काम कर रहे हैं या और संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर आप कैसे ये सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं? हमने इसके लिए कुछ कुरिकुलम डेवलप कर रहे हैं हम लोग जो हम वहाँ सबमिट करेंगे यूनेस्को में, और वो उसमें हमने जैसे बच्चों को मैंने बताया कि हमको पोटेंशियल बताना है बॉडी का, माइंड का और सोल का, तो हम उसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोल रहे हैं कि उनको क्रिएटिव इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल करनी है यहाँ सुख और शांति से रहने के लिए, कैसे ये टोटल ब्रह्मांड मैनेज कर रहा है। तो ये यूनेस्को के लिए हम लोग कुरिकुलम डेवलप कर रहे हैं जी, जैसे हम क्लास के लिए 8 चैप्टर्स लिखे जो वंस अ वीक क्लास होगा, एक ही चैप्टर को 4 हफ्ते पढ़ाया जाएगा छोटे बच्चे को, जिसमें हम उसको गाने के माध्यम से बताएंगे, बीज की स्टोरी बताएंगे, सनफ्लावर की स्टोरी बताएंगे कि कितना इंटेलिजेंट है वो सनफ्लावर, कि कैसे वो गिरगिट की तरह से अपने बीजों का रंग काला कर लेता है, उसको पहले से मालूम है कि किस प्रकार सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके वो अपने आप को काला करेगा और वो जमीन में से ऑयल निकालेगा ताकि मम्मी पूरियां तल के खिलाए और हलवा बनाए, समथिंग लाइक दैट। तो छोटी छोटी कहानियां बनाई हैं और जैसे हमने 3rd से लेके 12th तक के 32 चैप्टर्स रखे हैं वंस अ वीक क्लास के लिए, जिसमें बड़ा सिस्टमेटिकली हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एस फॉर सीड Society for Systematic Education for Everybody's Development, ताकि हर व्यक्ति को ये पता लगे कि भाई उसका पोटेंशियल क्या है, वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है और कैसे वो ओमनी स्कैनर जो उसकी अटेंशन है वो किस प्रकार काम करेगी, इस पर कार्य करके हम लोग उनके चैप्टर्स बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लिए हमने 40 चैप्टर्स अभी तक बनाए हैं और वो हम चाहते थे कि वो 4 सेमिस्टर्स में हम लोग उस बात को बच्चों को बता पाए ताकि साइंटिफिकली सभी वीडियोस दिखाएं उनको कि किस प्रकार ब्रह्मांड बना, किस प्रकार इस पर एलिमेंट्स बने, कैसे दो दो सूर्य मिलके बाकी के 100+ एलिमेंट्स बना रहे हैं, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे पानी आया और कैसे इसमें डेवलपमेंट्स होके आपने पहला सिंगल सेल बनाया, फिर 84 लाख
से होते हुए, आई वॉन्ट मेंशन द 84 लाख, मीन्स मिलियंस ऑफ स्पीशीज से होते हुए आपने खुद ही अपने शरीर को बनाया। तो ये सब ज्ञान को बच्चों में बांटने के लिए हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसका निरीक्षण करने के लिए आप लोगों में से कुछ लोग हमारे यहाँ आए और देखें कि हमने कितना बड़ा कार्य किया है और इसको आगे कैसे बढ़ाना है। आपने बहुत अच्छा कहा कि किस प्रकार इसको सारी दुनिया में लेके जाना है, बगैर आप लोगों की मदद के ये जाएगा। तो इसलिए ये आपने बहुत बड़ा कदम उठाया कि मुझे भी एक मौका दिया यहाँ बोलने का, ताकि हम इस पर्टिकुलर विषय की बारीकियों को समझ लें। जी मैं यही, बल्कि हम तो खुद जानना चाहते थे कि आप ये, क्योंकि बहुत बड़ा दुस्साहस है कि आज के युग में स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करना, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज आपके अगेंस्ट खड़ी हैं इस सारे विषय को लेकर के, वो क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पे, और दूसरा साइंटिफिक टेम्परामेंट का नाम लेकर के जिस तरह से हम बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करना वो थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए एक उत्सुकता तो है ही है ये जानने में कि आप इस सारे को कैसे देखते हैं। अच्छा, दूसरा एक विषय और है, बाकी उसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं वो इस विषय के ऊपर और बात करें, प्रश्न भी रखें, टिप्पणियां भी रखें। जो स्पिरिचुअलिटी है और मॉरेलिटी, क्या ये इसको ऐसा नहीं है कि आप मॉरल एजुकेशन के नाम से इस स्पिरिचुअलिटी को दे दें, तो वो तो गवर्नमेंट दे ही रही है, तो जी, जी, क्या उस या उससे इसको कैसे आप अलग करके देखते हैं या किस तरह से उसको इंक्लूड करते हैं? आशुतोष जी, आपने बहुत सुंदर सजेशन दे दिया है कि हम इसको मॉरेलिटी कह के बयान कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स को अगर हम जाने, जो एब्सोल्यूट है, जो परमात्मा जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस से शब्द मार्ग से जुड़ा है, तो उससे आप आउटर एक्सप्रेशन जो अटेंशन है विच कैन क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें इसका कुछ नामकरण कुछ इस ढंग से करना चाहिए ताकि हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस को कैसे समझना है अपने शरीर में, उसमें आप लोगों की मदद चाहिए कि क्या नाम संस्कार हम इसका करें, कैसे इसका स्पिरिचुअलिटी का वर्ड हटा के कुछ और रखें। तो ये सब आपके सजेशन से हो सकता है। नहीं सर, अभी तो डॉक्टर साहब मैं खुद ही जानने और समझने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए आपसे ये जिज्ञासाएं भी रख रहा हूँ, प्रश्न भी कर रहा हूँ। और अच्छा, एक जो विषय मैंने शुरू में ही आपके साथ रखा कि हर व्यक्ति जो है वो थ्री डायमेंशनल है जी, कर्ता के रूप में भोक्ता, क्योंकि अब ये जब आप किसी बच्चे को, स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को भी अप्रोच करेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि उसको एक डूअर के रूप में आप स्पिरिचुअल एजुकेशन देना चाह रहे हैं या एज इंजॉयर, कि भी वो अब सब कुछ कर करा लिया उसने और वो अपना एक भोक्ता के रूप में, अब वो शब्द तो और बेहतर नहीं है एंजॉयर के अतिरिक्त मेरे पास, और या वो नोअर के रूप में, जैसे आप इस वक्त नोअर और डूअर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और मैं इसको जानने की पर्सपेक्टिव से ही कर रहा हूँ, लेकिन डूअर की फॉर्म अभी नहीं है जी, जी। तो इसी तरह से अगर आप हर स्टूडेंट के ऊपर इस तरह से काम करना चाहते हैं, तो कैसे इस को सारे को करेंगे, क्योंकि जो कुछ आपने अभी बताया है वो मुझे लगता है कि वो एक डूअर के लिए तो आप बता रहे हैं, लेकिन नोअर और ये बाकी सब बातों को कैसे, इनको सिंथेसाइज करना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद डॉक्टर रविंदर जी। जी जी जी, मैं उसमें से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ दे दूं आपको, कि देखिएगा कि किस प्रकार हमें इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि माइंड इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, तो जो जो उसको गे है, जो जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो मन है, क्योंकि आत्मा तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट से जुड़ा है, वो तो सब कुछ जानता है, कुछ भी कर देने की क्षमता है, ये सिर्फ मन है मेरा जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन ही बेस्ड है। किसी को आपने तमिल सिखा दिया, किसी को चाइनीज, किसी को फ्रेंच, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, तो जो आपने बता दिया बस वो वही है। तो इस विषय को अगर हम लोग उस ढंग से टेकअप करेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसके सब आंसर्स मिल जाएंगे और हम लोग इसको हल कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे माता के गर्भ में जो सेल आया, अभी मैं थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में 2 मिनट की बात कह दूं ताकि फिर बाकी के लोग क्वेश्चंस कर सकें। अब जो मेरी जीन्स हैं,
वो माता के गर्भ में जो उसका एग है, माता का और पिता का स्पर्म दोनों मिले तो एक सेल बना जिसका नाम है जाइगोट। इस सेल में उसके पिता की और उसके दादा की पड़ दादा की और सिंगल सेल से लेके अब तक की सारी इंफॉर्मेशन है। माता की तरफ से भी सारी इंफॉर्मेशन उस जीन्स में अवेलेबल है। अब वह सेल एक से अनेक हो रहा है, परमात्मा माता के गर्भ में ऑपरेट करके एक से अनेक हो रहा है। अब उसमें अगर आप देखेंगे कि आपके सलाइवा को लेके उसमें डॉक्टर जान लेता है कि आपकी जीन्स में कितनी जीन्स किस जानवर से मिलती है, कितनी मंकी से मिलती है, कितनी बनमानस से, कितनी चूहे से। नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज टू नो कि किस प्रकार उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस ने माइंड को यूज करके, मटेरियल को यूज करके आपकी सलाइवा में एनग्रेव कर दिया आपकी इंफॉर्मेशन को टोटल जीवन की कि कहां से कौन सी बीमारी आ रही है। तो इतना बड़ा विषय, तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस अगर बच्चों को पता लगेगी कि कितना बड़ा ज्ञान है हम में और आत्मा में क्या कुछ करने की क्षमता है, कैसे हमको पीस और हारमोनी में रहना है, ये सब विषय डिस्कस होंगे सर। आई एम वेरी श्योर कि अगर इस पर हम लोग काम करने लगेंगे तो सब हल निकल के आएंगे, हमने बहुत सारे निकाले हैं। Let's have some other questions. Okay. जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जी सर। धन्यवाद आशुतोष जी। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ उनके विद्वतापूर्ण वक्तव्य के लिए। मेरी छोटी सी टिप्पणी आपके आशुतोष जी, आपने दो बातें कही थी अभी बाद में कि एक तो आपने कहा कि सेकुलरिज्म और स्पिरिचुअलिज्म ये दोनों अलग अलग हैं आपके, उससे मुझे ऐसा लगा, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में जो हम आजकल स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ विशेषकर भारतीय संदर्भ में लेते हैं कि मानो हम हिंदू फिलोसफी को थोपना चाहते हैं, तो वो नहीं है। वास्तव में प्रत्येक जिसे हम धर्म कहते हैं, यदि हम धर्म के अर्थ में इस अध्यात्म को लें तो वह पंथ निरपेक्षता का निषेध नहीं करता बल्कि उसको सशक्त करता है, नंबर एक बात। दूसरी सर, आपने कही कि स्पिरिचुअलिज्म और मोरालिटी को एक मान लिया जाए, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं सर, क्योंकि मोरालिटी जो है वो समय स्थान युग परिवर्तन के साथ बदलती भी रहती है। जो मोरालिटी के सिद्धांत भारतीय संदर्भ में मान्य है वो संभव है कि पाश्चात्य जीवन शैली के अनुरूप ना हो, जो पाश्चात्य जीवन शैली के अनुरूप है वो अरब देशों में ना हो। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको स्पिरिचुअलिज्म मोरालिटी में डिफरेंस करते हुए। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था एक नेता विशेष के संदर्भ में कि जो जेल से बैठा शासन कर रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि कानूनी दृष्टि से तो हम आपको बाध्य नहीं कर सकते कि आप जेल से शासन ना करें, लेकिन संवैधानिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए आप अपने कर्तव्य निर्वहन की ओर ध्यान दें। इन्होंने शब्द जो प्रयोग किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिसका व्याख्यान बहुत विस्तृत आपको संविधान सभा में भी मिलता है हमें। तो मोरालिटी के भी अनेक एस्पेक्ट हो जाते हैं। मेरा अपना मानना है कि जो स्पिरिचुअलिज्म है, सर एक मिनट दे रहा हूँ, स्पिरिचुअलिज्म जो है वास्तव में वो स्व धर्म स्व कर्म की ओर निर्देशित करता है कि जिससे मैं सबसे बड़ी बात जो है मेरा स्वकर्म या स्वधर्म जो है वह जो मेरा है वो आपका भी है, अर्थात लोक संग्रह लोक उपकार की दृष्टि से निर्देशित होता है। तो इसलिए जब आप स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, तो व्यक्तिगत अध्ययन के साथ साथ वह लोक अध्ययन भी उसमें सम्मिलित होता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस पे टिप्पणी करेंगे और उसके बाद डॉक्टर जादू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपना प्रश्न उन्होंने डाला है चैट बॉक्स में, लेकिन वो खुद ही अपना प्रश्न रखें हमारे साथ।
डॉक्टर साहब लगता हाँ जी अखिलेश जी जी सर, जब तक वो दोबारा जुड़ते हैं तब तक आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें और बताएं सारे विषय पर आपका। सभी को, सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूं और डॉक्टर भारद्वाज साहब को विशेष नमन करता हूं कि हमें वो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। Can you hear me, sir? जी जी सुन पा रहे जी। तो जी, मेरा निवेदन ये था कि जो भारतीय ज्ञान है उसके अनुसार प्रवाह से अनादि तो आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी आ रही है जी। Can you hear me, जी हाँ जी आप ठीक है जी। तो भारतीय ज्ञान के अनुसार जो वैदिक ज्ञान है उसके अनुसार ईश्वर आत्मा और प्रकृति ये तीन तत्व अनादि हैं, प्रभाव से अनादि हैं। ये न कभी उत्पन्न हुए हैं और ना ये कभी होंगे मरेंगे और ईश्वर की प्रेरणा से ही जो सारा ब्रह्मांड है वो प्रकृति का विकृत रूप है जो हमारे आज सामने है। और ईश्वर इतना इतनी बड़ी शक्ति है कि जो सारा ब्रह्मांड है वो उसके द्वारा आच्छादित है, निराकार है। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज साहब से कि जो आपकी मान्यताएं हैं क्या क्या वो सत्य सनातन वैदिक धर्म का अनुसरण करती हैं या कोई अलग से मान्यताएं हैं आदरणीय? बिल्कुल उसी के अनुसार हैं और उसी के आधार पर हैं, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पर टोटल कॉन्सेप्ट बना है और उसके जितने भी साइंटिफिक प्रूफ्स हैं वो हमने साथ में जोड़ दिए हैं। इतना बड़ा विषय हम लोगों ने किया है और ये प्योरली इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित है और इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। जब आप इसको और जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि हमने इस विषय का नाम रखा है ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स स्किल्स हैबिट्स एंड विजडम डेवलपमेंट प्रोग्राम। विजडम वो है जो सभी मन के जितने भी विषय है उसको देख सके और किस पर उसको निर्णय करके ठीक एक्शन करना है, कैसे वो ह्यूमन वैल्यूज पर जाएगा, उस पर काम किया है जी। आदरणीय आपने जी। मन की बहुत बात करी है पर क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मन और बुद्धि में कोई फर्क है या नहीं है, क्योंकि सारे निर्णय तो बुद्धि के द्वारा ही होते हैं। नहीं सर, ऐसा है कि मन जो है वो बुद्धि को इस्तेमाल करता है। बुद्धि तो शरीर का पार्ट है ना जी, वो ब्रेन है और मन एक अलग चीज है। तो ब्रह्मंडी मन से आपका मन जुड़ा है जो कर्म विधान को देखता है, क्योंकि आपके कर्म विधान को देखने के लिए सारी इंफॉर्मेशन तो रजिस्टर्ड रहती है। जो भी आप सोचते हैं इवन योर थिंकिंग वो आपके कर्म को बना देती है। तो कैसे आपने सोचना है, बोलना है या कार्य करना है, वो तीनों कर्म विधान में आ जाते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपके स्थूल मन है और जो सूक्ष्म मन है, कारण मन है और ब्रह्मंडी मन है, ये सभी मन जुड़े हैं आपस में। और किस प्रकार ये फ्रिक्वेंसीज जो है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से जुड़े हैं, इस पर हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया, क्योंकि ये 30 साल का कार्य है जो आपके समक्ष रख रहे हैं हम। क्योंकि सभी चीजें फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है, नाद से सब बना है। जैसे बाइबल में भी कहा ना उन्होंने कि the world was made flesh। हमारे यहाँ भी कहा कि शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। तो शब्द के द्वारा ये सब हुआ और मन तो खाली इंफॉर्मेशन है जी। आपको उस इंफॉर्मेशन को देख के इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं विजडम। विजडम इज लाइक एन ओमनी स्कैनर जो कि मन की सभी इंफॉर्मेशन को पिकअप कर है और डिवाइन एटीट्यूड से काम करेगा। क्योंकि शरीर की जरूरत है भूख, कपड़ा, मकान, दुनिया के सामान, सेक्स एंड स्लीप, जबकि मन डील करता है इंफॉर्मेशन में जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष है और चिंता। इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। करने वाला जो विषय है आपके वो आपकी आत्मा है कि व्हेनेवर द अटेंशन गोज द डिवाइन एनर्जी फ्लोस। तो अटेंशन जहां जाएगी वो आपके हाथ में है, बाकी का सारा ब्रह्मांड जो है वो प्री डेस्टिन चल रहा है। जो आपने खुद डिसाइड किया था, यू वांटेड टू कम एंड हैव दीज एक्सपीरियंसेस इन दिस टाइम बाउंड मटेरियल क्रिएशन, वो आपने पहले से सुनिश्चित किया कारण मन में। और उस कारण मन को लेकर आपने उसके अनुसार आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस ने सब कुछ बना डाला। अब वो प्री डेस्टिन है, आपके पास में सिर्फ दो फ्री विल्स है सर,
कोई और फ्री विल नहीं है। कौन सी दो फ्री विल्स है? आपने एक तो एंटर किया टाइम और मटेरियल की दुनिया में, और दूसरी फ्री विल है वापस जाने की। अगर आप कॉफी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, दोनों सामने में रखी है, आप समझते हैं आपकी फ्री विल है, आपकी फ्री विल नहीं है। वो पहले से जेनेटिकली डिसाइडेड है कि आप क्या सेलेक्ट करेंगे। तो इस विषय को इतने गहन अध्ययन में सभी संतों के विचारों के आधार पर, वेदों के आधार पर इसको किया गया है, और मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप लोग इसको डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो हम लोग उसके लिए जी मुझे लगता है कि हाँ, इस पर जो है इस विषय पे तो वर्कशॉप करने की आवश्यकता है, ताकि उसमें एक तरह से उन ट्रेनिंग की जाए कि किस तरह से इस सारे विषय को इंट्रोड्यूस करना है, समझना है, अप्रोच करना है। ये एक वर्कशॉप का विषय है, तो इसको भी देखेंगे किसी न किसी वक्त की कैसे हम कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष जादू जी वो हैं, उन्होंने अपना प्रश्न भी डाला है। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात स्वयं संक्षेप में हमारे साथ रखें तो अच्छा लगेगा। जी सुभाष जी। I am thankful to the August gathering that they have included my question into the session. I am thankful to everyone who is present in the session. I don't have something special to ask, but now I have crossed an age of 65 years. For past 65 years, I have daily seen on my telephone and on radio or television that Gaza Patti is being attacked or Jerusalem is being hit. The place which is origin of a Semitic religion is daily hit in war. We have, as per the archaeological evidences I have read, I am not a scientist, we had the borders of Bharat all along, from the borders of Babylon up to Malaysia, Indonesia at one point of time, in different regions and times. But today now, whatever we are carrying with us, which we define as Sanatan Sanskriti, I cannot define it whether that includes Vedas, Buddhism, Sikhism, whatever it includes. Today we are now shrank within a territory limit of Bharat. We have seen day before destruction of Bangladesh, which was just 50 years old, 54 years old country. If we are teaching the spirituality and humanitarianism to our children, are we keeping them safe? Are we keeping the space for our children who are to come in Bharat for future, where we have within our own neighborhood the shadows, sleeper cells and toolkit operators of foreign-based agencies who may be funding the projects or scholarships in different universities? Are we safe? Or we are just doing our job and not worrying what is going to happen? The present rate of conversion in India, in the border districts which are with different countries, it has gone 60%. Then as it compared to 1947, I am an individual who is sufferer of a Kashmir genocide. The Indian Supreme Court denied that it is a genocide. They said when we applied for that it should be declared as genocide, they said you are too late to come. And we have on date the genocide cases of World War II being held in Europe and being accepted. And they take honor in saying that we are sorry what we have done in World War II. Are we safe? This is my moot question. How will I teach my own child spirituality when I am knowing my neighborhood is holding AK-47? What kind of spiritualism I have to keep for my future generations? I'm sorry if I have disturbed anyone in the audience. No, sir, this is my moot question. Something wonderful you have asked, you know, and I would like to quote Mahabharata for this, that to fight for the rightest things, you know, one has to educate itself. In our scriptures, all these things are available. कि किस प्रकार हमें ऐसी सिचुएशन से भी डील करना है, कैसे वॉर करके जीतना है, ये सब विषय भारत की संस्कृति में पहले से विद्यमान है।
तो किस प्रकार हम लोग उस विषय को महाभारत को जस्टिफिकेशन करेंगे और उसकी वजह से हम अपने अपने अस्तित्व को कैसे न मिटने दें, और इस प्रकार ये सतयुग की जो प्रथा है कि भाई इसके बाद कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो इस पर्टिकुलर विषय को तो समझना होगा ना जी, और वैसे भी ज्ञान लेना होगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये ज्ञान देना कि किस प्रकार वो सभी निपुण हो जाए, मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ नन बनाने का विषय है, कि ताकि वो इस बात को समझ लें कि कैसी स्थिति में उन्हें क्या करना है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि सारी दुनिया में वो इस्लाम का इतना बड़ा खतरा जो है वो बढ़ रहा है और वो सब फैनेटिज्म बढ़ता जा रहा है, सारे यूरोपियन कंट्रीज में हो गया, हमारे पड़ोस में हो रहा है, हमारे भारत में हो रहा है। तो किस प्रकार इससे मैनेज करेंगे, मुझे लगता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी का विषय, इसको किसी और नाम से ह्यूमन वैल्यूज करके, कि हमारे यहाँ तो हम यही कहते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम, तो किस प्रकार ये विषय बताना है जो उनको उन्होंने उनका माइंड वॉश कर दिया है अपने अलकायदा के स्टूडेंट्स में, बच्चों को छोटी सी उम्र से पढ़ाना शुरू करते हैं कि भाई वो क्या है और कैसे उनको रिवेंज लेना है, कैसे उनको सिर से धड़ को अलग कर देना है, ये सब ज्ञान वहां दिया जा रहा है, जबकि वो सब ज्ञान हमें भी बताना है और उन बच्चों को बताना है। तो हमारी सरकार भी इस विषय पर सामने आए कि भाई जो रियल एजुकेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स स्किल्स हैबिट्स एंड विजडम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको इम्प्लीमेंट करें और बच्चे को सक्षम बनाए तो हर किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें बहुत समस्याएं आएंगी, और सुभाष जी ने बिल्कुल सही और सटीक प्रश्न रखा है, जिसे कह सकते हैं कि सर्वाइवल का इशू और स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन दोनों का तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। और जो बात आप कह रहे हैं, अगर इसको हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो ये कुफ्र हो जाएगा। हम देखिए, कुछ चीजें यथार्थ की हैं और हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। और मुझे लगता है कि अब जो वेस्ट है वो इन सब चीजों को अब फेस कर रहा है, अपनी उदारता, अपने वो जो अपना वो शो ऑफ कर रहा था कि वी आर वेरी ह्यूमनिस्टिक, और आज उसको ब्रिटेन में अब जो दंगे फसाद चल रहे हैं और फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आप परिचित ही हैं। लेकिन ये एक यथार्थवादी प्रश्न है जिसको मुझे लगता है हम सबको मिलके उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल सुभाष जी की बात का समर्थन करता हूँ कि इट वॉज ए कश्मीरी पंडित जेनोसाइड, और बहुत तकलीफ और कष्ट का बात है। लेकिन फिर इस दुख को हम कैसे, इस दुख में सर्वाइव कैसे करेंगे, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी ही है, वो बेसिकली तो आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जो आपको अभी तक जीवित रखी है और अभी भी आपसे प्रश्न करवा रही है। तो मुझे लगता है कि उस बात को, आपकी बात का मैं सम्मान भी करता हूँ और इस बात को एक्नॉलेज भी करता हूँ कि ये आपका, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही है कश्मीर शैविज्म की, जो आपको यहाँ तक लाई और आपसे प्रश्न कहलवा रही है और आगे भविष्य को भी परिभाषित करने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बात हमें देखनी चाहिए। जी रविंदर जी, आप अपनी बात रखें। सॉरी फॉर एन इंटरप्शन। राइट सर, जी जी प्लीज। अभी डॉक्टर साहब ने पूरा उत्तर नहीं जी पूरा उत्तर नहीं फिर उसको घर में बैठे अग्निवीर दसवीं का दे दूं, खत्म नहीं। ये वैसे वाकई बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है, बट एनीवे नहीं डॉक्टर साहब आप देखिए, मैं आपको इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा था क्योंकि एक समय में, आज से अगर 2000 साल पहले जाएंगे, हम हिंदू में 100% थे, और जिस वक्त पलायन हुआ उस वक्त जब 3.5-4 लाख बचे हुए थे। बिल्कुल ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म और भारत का हाल देखिए, यहाँ पे 100 में से 200
and we have more minority population in those districts, and they are claiming that they will have their MPs and MLAs, and by 2047 I will have 50% population if the present growth rate remains. So main kisko kal ladne ke liye kahunga? They will the opposite minorities will have their own prime minister in the country, and I will have to see a situation like Bangladesh and Syria in India. I'm sorry, but something that I have spoken. No. I fully agree with you, and I endorse your statement also, sir. I'm quite aware about this problem. ये तो ये है कि हमने अभी इस प्लेटफॉर्म पे ये इश्यूज टेकअप नहीं किए क्योंकि अभी समय नहीं मिल पाया, लेकिन इन इश्यूज को भी टेकअप करना है, है. जी डॉक्टर भारद्वाज जी, आपका एक ब्रीफ सा रिस्पॉन्स और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब के रिस्पॉन्स से पहले मैं जोड़ना चाह रहा था, डॉक्टर सुभाष जी के आर्गुमेंट को ही अग्रसर कर रहा हूँ. जो उन्होंने कहा वो एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि जिससे हम लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं जी. जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या है सर, राजनीति दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ इस समय, हमने भारतीय संस्कृति के केवल एक एस्पेक्ट को कि अहिंसा 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 की बात की, लेकिन कभी इस ओर नहीं देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म युद्ध करना भी जरूरी है, धर्म युद्ध का जो एस्पेक्ट था वो तो हमने भुला दिया, चाहे वो गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर अटैक हो, चाहे वो हमारा भारत का विभाजन हो. और कल ही मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था सर कि बंगाल में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, एक टिप्पणी एक ने की कि हम 20% हैं मुस्लिम और 20-30% हिंदू पंथ निरपेक्ष हैं, हम बदल सकते हैं इस सत्ता को. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को भी आप गैर लोकतांत्रिक हिंसात्मक तरीके से बदलने की सोचते हैं. ये जो प्रचार जो सुभाष जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, उसके कारण मैं जो मेरे को समझ में आता है सर, एक मुख्य जो अंतर है, इस्लाम में अल्लाह एक है, इसलिए वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे अरब हो, चाहे यमन हो, सीरिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वो बड़े आराम से एक हो जाते हैं. जबकि अभी मैंने पिछले दिनों में नाम नहीं लूंगा, इशारों समझ जाएंगे आप कि हमारे यहाँ पर तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हमारे भगवानों को सांकेतिक रूप से उनके नाम का प्रयोग और दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे समाज में खाई बढ़ती जा रही है. आज तो ये स्थिति आ रही है हिंदू धर्म में, भगवान भी हमारे जातियों के नाम पर बांटे जा रहे हैं. तो ये जो बंटवारे की राजनीति है, ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, लेकिन इसको स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर परोसा जा रहा है. ये जो राजनीतिक दुरुपयोग है, जो हमारा था ना बहुधा विप्रवदंती एकम सत्य, विपरीत उसका जो है ना सर दुरुपयोग है, और जिसके कारण हम पराजित होने की स्थिति में आ रही हैं. और इसलिए मैं डॉक्टर सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवादी भी हूँ कि उन्होंने एक ऐसी यथार्थ स्थिति की ओर और भावी खतरों की ओर संकेत किया है, उसके लिए उनका आभार. धन्यवाद जी. डॉक्टर चांद जी, देखिए आपके सामने एक बिल्कुल यथार्थवादी सिचुएशन है और हम इससे बच नहीं सकते, और निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ कि आप कोई गांधीवादी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे कि जिसने सारे हिंदुस्तान को कंफ्यूज कर दिया. डेफिनेटली यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. और जिस पक्ष से आप बात कर रहे हैं उसको एक शस्त्र की रक्षा की अन्यथा शस्त्र की रक्षा के बिना, क्योंकि हमारी परंपरा में है तो यही दोनों शस्त्र और शास्त्र, लेकिन हम न शास्त्र हमारे पास रहे और शस्त्र हमने कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे छोड़ दिए. ये बड़ा एक दुर्भाग्य है भारत का, लेकिन चलिए. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स दीजिए ताकि फिर हम इसको आज की सभा को यहीं पूरा करें.
मैं उसमें यही कमेंट देना चाहूंगा कि हमें अपने जो शस्त्र हैं उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि महाभारत उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार हमें अपने आप की सुरक्षा करके और अपने मार्ग को प्रशस्त करना है. ऑफ कोर्स दिस इज अगेन फॉर ये महाभारत में भी इसका जिक्र कितना बड़ा आया है कि हमें अपने राइट्स के लिए तो लड़ना होगा और लड़के इस बात को एस्टेब्लिश करना होगा. मुझे नहीं लगता कि जो 400 से पार होना था, क्योंकि वो हिंदुओं ने ही वोट नहीं दिया, अगर वो वोट देते तो शायद हम लोग उस स्थिति में रहते. तो वो जो बंटवारे की बात की अभी सुभाष जी ने भी और इन्होंने भी, कि किस प्रकार हम लोग आपस में ही बट गए हैं और ये जो बटने का विषय है और इसको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये समझाना जो है वो मुझे लगता है कि अगर ये हम इस पर्टिकुलर तरीके से समझाएंगे कि भाई आप तो एक आत्मा है और आपके पास में एक मन है और एक शरीर है, सारी ह्यूमैनिटी ऐसी है, सारी लिविंग एंटिटी ऐसी है, इसलिए अपने आप को सुदृढ़ करके इस दुनिया से पार जाना है. यहाँ तो कर्म विधान है, जैसा होगा वैसा भोगना भी पड़ेगा. तो इसलिए इसको डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक अभी एक विचार आया है कि क्या हमें मतलब जो आप बात रख रहे थे वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या हमें इसका एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की आपको आवश्यकता नहीं लगती कि इसको हमें आत्मा से उठाकर धर्म की ओर ले जाना चाहिए, धर्म संस्थापनाए, क्योंकि अगर वो धर्म संस्थापना हो जाती है तो मुझे लगता है ये आत्म तत्व तो अपने आप उसमें आ जाएगा. हाँ, तो धर्म तत्व तो ह्यूमैनिटी बोल दे तो सर ह्यूमैनिटी का जो पृष्ठभूमि है ना वो बड़ी अजीब अस्वस्थता वाली है, क्योंकि जो यूरोप के अनुभव हैं ह्यूमैनिटी उस संदर्भों में बात होती है, क्योंकि वहाँ ह्यूमैनिटी वो जिस तरह की रेसेस वो रही हैं वहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात तो थी नहीं. मतलब जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि वहाँ ह्यूमन राइट्स आए कहाँ से जिनकी वो बात कर रहे हैं और कितनी अस्वस्थता से भरे हुए हैं. लेकिन मुझे लगता है कि हमें कोर इशू जो बनाना चाहिए जो आप सारा ये बता रहे हैं कि वो धर्म की स्थापना से है, और फिर उसके ये इर्द गिर्द सारा का सारा स्पिरिचुअलिटी और मोरलिटी और सर्वाइवल ये सारे के सारे इश्यूज उसके साथ आ जाएंगे. तो केंद्र मुझे लगता है वो धर्म, भारतीय दृष्टि से जिस धर्म की कृष्ण बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस तरह से क्या आप विषय को देखना चाहेंगे किसी वक्त? हाँ, डेफिनेटली, यू नो, दिस इज अ वे आउट, यू नो. और हम इसको ऐसे भी कह रहे हैं कि राइट टू एनलाइटनमेंट, जो एनलाइटेंड होना और उसमें धर्म की पर्टिकुलर विषय को हाईलाइट करना कि भाई ये तो अपने आप को शरीर तो बचाना है ना जी, लाइफ का राइट तो सबका है, ह्यूमन राइट है वो, तो किस प्रकार सुखी भी थे और विदाउट डिस्टर्बेंस भी थे, इसके लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा मुझे लगता है. डॉक्टर जीवन आशा जी, मैडम अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आपने हाथ खड़ा किया है. मैडम जीवन आशा जी, शायद उनको अनम्यूट कर लें तो कर लीजिएगा. और बहुत संक्षेप में डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी. जी बस मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम लोगों ने वेदों की शिक्षा मानना छोड़ दिया, उसके कारण आज हमारी ये स्थिति हुई है. जहां कहा गया है कुणवंतो विश्वारयम, वहीं ये भी कहा गया है अब घने तो अपावन है, यानी जो हमारा बुरा सोचता है, जो हमारा बुरा कर सकता है, जो हमारा बुरा चाहता है, उसको हम पीसते हैं. ये ज्ञान हमें जो वेदों ने दिया था, और जन कितने ही मंत्रों में ये कहा गया है कि जो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है उसको हम आक्रमण से पहले ही निपटाएं तो अच्छा है, और जो आक्रमण करे उसका हम बिल्कुल जमीन से जो है खत्म कर दें. ये चीज छोड़कर और लोगों को ये बताया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन किन लोगों का सर्वे अच्छा जो है चाह रहे हैं, जो हमारी तरह आ रहे हैं, जो अनार्य है, जो 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 बुरे लोग हैं, उनका कहीं भी वैदिक धर्म में अच्छा नहीं चाहा गया है. तो ये जो
वेद की शिक्षा छूट गई, वेद का ज्ञान जो है छूट गया और हमने अपने सारे देवी देवताओं को भुला दिया जिन जिनके हाथों में शस्त्र है, उसके कारण आज हमारी ये स्थिति है। हमें फिर वेदों की तरफ लौटना होगा, तभी हम अपनी सभ्यता संस्कृति और अपने आप को बचा पाएंगे। धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो वहां पे जिस तरह की पूर्णता का विचार है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए बस अंतिम अगर डॉक्टर जीवन आशा जी कुछ कहना चाह रही हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद धन्यवाद करते हैं। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपकी इंतजार ही कर रहे हैं। धर्म संस्थापना की जो बात अभी आपने की, वो एक्चुअली समस्या यहाँ पे ये है, स्पिरिचुअलिटी और धर्म जो है, हमने जैसे मनुस्मृति में धर्म के जो धार्यति इति धर्म है कि धर्म के जो लक्षण पढ़ते हैं, उसमें यहाँ अब वो संप्रदायवाद की बात आ जाती है, उसके कारण धर्म की परिभाषा ही बदल गई। और जब हमने इसको मॉरल वैल्यूज के साथ जोड़ा तो कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और आत्म तत्व मानना आत्मा वो एक अलग फिलोसफिकल विषय है, उसके साथ जुड़ेगा तो वो एक हम जैसे एकेडमिकली तो इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, समझा सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन यदि हम ऐसे अदरवाइज इसको देखते हैं तो वो एक अलग विषय रहेगा और ये अलग, अदरवाइज तो समस्याएं जो हमारी संसारिक चल रही हैं, सामाजिक चल रही हैं, पॉलिटिकल चल रही हैं, उसका धर्म के साथ संबंध जोड़े तो अगर हम समझे, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे अभी, धर्म की परिभाषा को ही नहीं समझ पा रहे, जिसके कारण ये सभी विषय विकारों की बात भी अभी पहले की डॉक्टर साहब ने, तो वो क्षमा धैर्यशीलता ये सब गुण जो है लाने अनिवार्य है, जहाँ वो मॉरल वैल्यूज के साथ जुड़ेंगे और वो जब स्कूलों में कॉलेजों में जगह जगह हम उसको लगाई तो हुई है पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, कहीं भी फॉलो नहीं कर रहे, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है और फिर ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति तो वो आते हैं परमात्मा बार बार और लेकिन फिर भी शांति हमेशा के लिए सेटल नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि इस विषय को अगर हम टोटल पॉपुलेशन को 8 बिलियन लोगों को अगर हम ये नई फिलॉसफी दें तो वो सभी रिलीजन्स उसमें डिसॉल्व हो जाएं और इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को जो हम बयान कर रहे हैं कि भाई वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस है, हम एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, हम उससे जुड़े हैं, हमने मन एक्वायर किया और शरीर बनाया, थोड़े से समय के लिए हम इसको जानना चाहते हैं, तो ये नई फिलॉसफी जो सभी हमारे भारतीय संस्कृति के आधार पर बनी है उसको हम अगर प्रचलित कर दें और सब उसमें अट्रैक्ट हो जाए, इस ढंग से उसको बयान करें हम। चलिए मैडम इंदु जी, आपने सबसे आखिर में हाथ उठाया जब पूर्णता की ओर अग्रसर थे, लेकिन आप अपनी बात रखें और फिर हम धन्यवाद करते हैं। हाँ जी सर, सबको नमस्कार प्रणाम, और ये बहुत रुचिकर बिंदु था लेकिन मैं पूरा नहीं सुन पाई, जितना सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद यही सोचती हूँ मैं तो कि ना, मतलब जो ये हो रहा है, कल के अखबार में देखा, इन सब से क्या मिलेगा, और मुझे नहीं लगता जिन्होंने ऐसा दुस्साहस किया उनका भी कोई लक्ष्य होगा, मुझे तो ये अराजकता नजर आती है, और उससे क्या बदल लेंगे, जो इतना युग युगांतर तक जो चीज़ें हैं और जो मन में समाहित है, आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं क्या आप? मतलब ये सब गलत है, और वैदिक शिक्षा वास्तव में सही थी, लेकिन वैदिक शिक्षा में स्त्रियों ने भी अपने हक के लिए हथियार उठाए, उसमें ऐसा वर्णन मिलता है, वह और बहुत सारी चीजें उसके अंदर, स्त्रियां अपने लिए मतलब बोलती थी, पुरुष तो बोलते ही थे, उनमें तो वो सत्व सात्विकता थी, स्त्रियों में भी थी, और अपने हक के लिए बोलती थी और उसको माना भी जाता था। बस मैं यही कहूंगी, लेकिन पूरा मैं नहीं सुन पाई और मैं अब वापस से ध्यान से सुनूंगी। सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब आज की इस चर्चा को हम यहीं पे पूर्ण करते हैं, और आपने जिस तरह से इस सारे विषय को प्रस्तुत किया है और जैसी आपकी उद्यमता की क्षमता है वो वाकई प्रणाम के योग्य है, वो साधुवाद के योग्य है और प्रशंसा के योग्य है, और इस सारे विषय को इतने व्यापक दृष्टि से देखना, समझना और इस सारे को वाकई अद्भुत है।
बहुत मेहनत की आवश्यकता है, आपने बहुत इसमें लेबर भी की है और अपनी दृष्टि को जितना आपने विकसित किया है और उसको ठोस रूप में आप दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम सभी आभारी हैं आपकी ओर से, अपनी ओर से मैं जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी ओर से आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी इस चर्चा को विस्तार पूर्वक लेंगे क्योंकि आज कुछ यथार्थवादी चुनौतियां हमारे सामने आई हैं और मुझे लगता है कि उनको भी हमें पूरी गंभीरता से अपने समक्ष रख करके अपने मॉडल्स को हमें रीडिजाइन भी करना पड़े तो करने में कोई संकोच नहीं हमें करना चाहिए और दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि यथार्थ तो वस्तुतः बड़ी तेजी से बदल रहा है और हम भविष्य का सोचें कि 2050 में स्थितियां क्या होने जा रही हैं क्योंकि तब डेमोग्राफिक चेंजेस इतनी ज्यादा हो चुकी होंगी जो हमारी कल्पना से परे की बातें हैं और तब हमारे संविधान की क्या स्थिति होने वाली है ये तो कई बार सोचता हूँ। तो ये एक आखिरी मुझे लगता है कि ये बड़ी भारी उम्मीद है कि अगर हम स्पिरिचुअल एजुकेशन को बढ़ा सकें, लोगों को शिक्षित कर सकें स्पिरिचुअल एजुकेशन में तो बहुत बड़ी बात होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी चर्चा को एक नई दिशा दी है, हमारी बुद्धि को सोचने के लिए प्रेरित किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रवि जी सर आप प्रकट होंगे क्या? सर रवि शर्मा जी यूएसए से प्रोफेसर साहब